शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। तुम्हें सच में कोई काम था या सिर्फ घूमने आई हो? अब है? देखो वो श्रद्धा है क्या? क्या बकवास कर रही हो? श्रद्धा अभी दफ्तर में होगी। हाँ वो मुझे भी यही लगा, वो कोई और होगा। मुझे नहीं पता था कि इसको ऑफिस इतना अच्छा है। सोनिया, सोनिया, अरे कहाँ गायब हो गई ये लड़की? सोनिया, तनुजा जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, हमें इस घर में बहुत कुछ मिल चुका है, अब और दुख नहीं चाहिए हमें। भगवान, आप माँ बेटी को ना बस मौका चाहिए हमें परेशान करने के लिए। अरे श्रद्धा ने आपको बताया नहीं क्या कि धूल से हमारा गला फूल जाता है और जकड़ जाता है? तनुजा जी, माफ कीजिए, हमें नहीं पता था। हाँ, अब आप ऐसे दिखाएंगी जैसे हम बहुत कुछ बोल दिए हैं आपको और आपका दिल दुखा दिए है ना? नहीं तनुजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए माँ। नमस्ते नाना जी। नमस्ते। नमस्ते ऋतु जी। तनुजा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया भाभी। चाची जी, जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। आप लोग बैठिए, हम चाय बनाकर लाते हैं। अरे नहीं नहीं अश्वी जी, खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो बस तनुजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, हमें निकलना भी है। अरे भाभी, इनके हाथ की चाय तो पीकर देखिए, दिल खुश हो जाएगा। और अश्वी जी, आपके हाथ की बनी हुई वो मटरी भी ले आइएगा, बड़ी अच्छी होती है। हाँ क्यों नहीं। कीर्ति बेटा, हमारी थोड़ी मदद करा दो। जी मम्मी। आप बैठिए, हम अभी आते हैं। वैसे तनु भाभी, आज तो आपका जन्मदिन है तो अभय और श्रद्धा ने तो बहुत सारी तैयारियां की होगी ना, तोहफों की तो बरसात हो गई होगी आज हमारी तनु भाभी पर। अरे रितु, तोहफे तो दूर की बात है, हमारे बेटे ने न फोन पे न मिलके हमें अभी तक जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी है। अगर उसे अपनी माँ से ज्यादा अपनी बीवी को घुमाना याद है तो हम भी उसे कुछ नहीं याद दिलाने वाले। हाँ शांत हो जाइए, वैसे हम एक बात कहें, हमें ना लग रहा है कि त्रिपाठी खानदान की सासू की किस्मत में ना एक साथ उनकी बहुओं का प्यार और इज्जत लिखा ही नहीं है। देखिए अभी अभी कीर्ति ने रिश्ते संभालने शुरू किए और यहाँ श्रद्धा ने पूरी बाजी ही पलट दी। बड़ा बुरा लग रहा है मैं आपके लिए। अरे रितु, आप बिल्कुल सही कह रही। अरे यशवी जी के सालगिरह पे बच्चों ने कितने धूमधाम से तैयारियां की और हमारे जन्मदिन में हमसे दो बात तक नहीं की। तनुजा अब छोड़िए भी, देखिए अपने जन्मदिन के दिन ना अपना मूड मत खराब कीजिए, रहने दीजिए, कुछ समझ लीजिए। भाभी, मम्मी जरा जरा सी बात पे तमाशा करके तो खून बनता है इनका। अब समझन है तो क्या तुम्हारे सर पे नाचेगी? पता नहीं दीदू कैसे झेलती हैं इसे। हमारी सासा इस मामले में ठीक है, कम से कम इतने ताने तो नहीं सुनाती। चलो ये भी अच्छी बात है, कम से कम तुमने कोशिश तो की पहल करने की। लेकिन आज तनुजा जी के जन्मदिन पर वहां खाने पर बुलाने की क्या जरूरत थी? लो टोका टाकी शुरू ना।
अरे हम जो कर रहे हैं वो नहीं देख रही हूँ, पर कब कर रहे हैं उससे परेशानी है। बेटा एक जुड़े हुए परिवार में ये भी एक जिम्मेदारी ही है कि कब कहाँ और कैसे खुशियाँ मनाई जाए। हाँ उसमें तो आपको महारत हासिल है ना? चाची जी के जन्मदिन के लिए बनाया? हाँ तो उधर तेरी दीदू अभी के साथ मिलके उनके जन्मदिन के जश्न की तैयारियां करें और मैं इतना भी ना करूं? मम्मी दीदू की सास का बस चले ना तो सबको काम कराए और खुद आराम करे। देखा नहीं बाहर कैसे बोल रही थी, ऐसे ही बोलती रहती है जैसे रेडियो की तरह उनके ताने हमेशा चालू ही रहते हैं। बाहर बैठे सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे, पहले ही नाराज है वो रात से, अब उनको और मौका मत दे। हाँ, जैसे कि उनसे डरते हैं। हमारे बोलने ना बोलने से ना उनके तमाशों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। देखो मम्मी एक बात अच्छे से समझ लो, जितने दिन उनको घर पे बिठा के रखोगी ना उतनी तुम्हारी जिंदगी झमलम बना देंगी वो। ये क्या कर रही हो? खीर पैक कर रहे हो और क्या? कीर्ति ये मैंने तनुजा जी के लिए बनाई और तुम अपने लिए पैक कर रही हो? तो क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो डाल रहे हैं। आप और भी बना लेना, हमारे घर में भी लोग आ रहे हैं, उनको घर का कुछ तो खिलाना पड़ेगा। वैसे हमने सब कुछ बाहर से मंगा लिया है, फिर भी एक दिन रसोई में थोड़ा हाथ चला लोगी ना तो घिस नहीं जाओगी तुम, समझी? वही तो कर रहे हैं, देखो अपने दोनों हाथों से डब्बा भर रहे हैं। हो गया चलो, वरुण ये हमारा वेट कर रहे होंगे। ठीक है वालों के लिए घर को बहुत सुंदर सजाए, देखना तुम उनका भी दिल जीत लोगी जैसे तुमने मेरा दिल जीता। अब बताओ ऐसा क्या करूं तुम्हारे लिए जो तुम हाँ वो मुझे लगा कि कीर्ति है। अरे आप इतना हड़बड़ा क्यों गए? अब कीर्ति हमारी सहेली है तो आप ही तो हमारे दोस्त ही हुए ना। गलती से हो गया, कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। कीर्ति 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 अपने मायके गई है, इसीलिए उसने हमसे मदद ली। आपके घर वाले आने वाले हैं ना शाम को। ओके कीर्ति चलो रूम में चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अभय मैं सोच रही थी कि तुम उस तरह के पति तो होने की अपनी पत्नी को कहीं आने जाने पे रोको टोको, तो फिर श्रद्धा को उस लड़के से मिलने के लिए तुमसे झूठ क्यों बोलना पड़ा? अपनी जुबान कैंची की तरह चलाना बंद करो और असल की कैंची लेकर आओ, जाओ। मेरे ऑफिस से फोन था, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। अभय वो एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ ना, ऑफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ। माफ़ कर दीजिए अभय, वो ऑफिस में
अचानक से बहुत ज्यादा काम आ गया था तो वो पूरा करना पड़ा। क्यों, कहीं बाहर नहीं गई थी? वो एन मौके पर ना अचानक से बहुत सारा काम आ गया था, सारे डिजाइन भेजने थे, पूरा दिन ऑफिस में निकल गया, और यहाँ तक कि जो हमारा कारीगर था ना वो भी अचानक से भाग गया। सोनिया लाओ कैंची। अरे सोनिया तुम कब आई? अभी अभी आई क्या? सोनिया ये सब सामान हो गए, लपेट लो। अरे लाई ना, मैं कर दे। श्रद्धा तुम रहने दो, सोनिया कर लेगी, ऐसे भी सुबह से वो मेरी मदद कर रही है। तुम जाओ, थक गई होगी ना, आराम कर लो। मैं कर देती हूँ ना। नहीं सोनिया, जल्दी करो, उस घर में जाके भी तैयारियां करनी है। मैं मदद कर देती हूँ तैयारी। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता मम्मी के सामने। सोनिया चलो। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम कीर्ति? मुझे बिना बताए सहेली को बुला लिया और खुद चली गई। इसमें हमारी गलती क्या है कि आपको समझ नहीं आया कि कौन ज्योति है और कौन कीर्ति? तो तुम्हें लगता है कि मैंने जानबूझ के उसको पकड़ा? नहीं वरुण जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे। और गलती हुई है तो उसका इतना बड़ा पहाड़ क्यों बना रहे हो? ज्योति को फर्क नहीं पड़ता, आप क्यों झेप रहे हो? एक तो अनजान औरत को घर सजाने की जिम्मेदारी दे दी और खुद चली गई, खाना भी बाहर से आ रहा है। कीर्ति तुमसे कुछ हुआ है क्या आज तक? एक श्रद्धा घर ऑफिस सबको संभाल रही है और तुम तो घर वालों के लिए भी खाना बाहर से मंगा रही हो। घर वालों के लिए भी खाना नहीं बनता तुमसे? क्या हुआ, क्या हुआ अगर ज्योति ने हमारी मदद कर दी तो? हा? और हमने नहीं कहा था ज्योति को मदद करने, वो खुद आई थी एक बहन की तरह, ना कि दीदू की तरह जो हर बात पे हमें सिर्फ ताने मारती रहती है। तुम्हारी कोई गलती कभी नहीं होती ना कीर्ति? हाँ नहीं दिखती हमें अपनी गलती, हमें तो लगता हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम आपके परिवार वालों के साथ जुड़ना चाहते। एक काम करिए, आप उन्हें कह दीजिए कि वो ना आए, क्योंकि हमें ना कुछ नहीं करना। हमारा ना दिमाग खराब कर रखा है आपने कीर्ति। देखो कुछ ना कुछ। आज तो कीर्ति ने कमाल कर दिया श्रद्धा, अब देखना तुम्हारे यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा। हम लोग भी बस यहाँ से निकल ही रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे वहाँ पर आकर मिलती हूँ। चलो सोनिया। देखिए ना अभय, घर पे भी कितना सारा काम पड़ा है, आप यहाँ का काम संभालिए, बाकी कुछ सामान लाना हो तो वो मैं लेते आऊंगी। हेलो अभय, वो एक्चुअली मैं मीटिंग में हूँ ना, ऑफिस में सब लोग साथ में बैठे हैं तो मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ। श्रद्धा तुम अपना काम कर लो और आराम से आ जाना, हम अपना देख लेंगे। मैं जानती हूँ अभय, आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने घर आने में देरी कर दी, लेकिन मुझे चिंता है इस बात की है कि कहीं आरती अपने फैसले में देरी ना कर दे, कहीं अभय। ठीक हूँ, खुद संभलना आता है मुझे।
हे भगवान, आपको कितनी चोट आई दिखाइए। जितनी चोट मुझे लगनी थी ना वो लग चुकी है, और वैसे भी ये घाव तो बहुत जल्दी भर जाएगा। सोनिया, मैं बहुत दर्द हो रहा है। ओके, आराम से, आराम से, आराम से। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आप, लेकिन आप अकेले कैसे? तुम जाके अंदर काम देखो, मैं सोनिया को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। पर अभय, आप दोनों को तो इतनी चोट लगी है, अकेले कैसे जाएंगे आप? मैं पहले भी खुद को संभाल लेता था और आगे भी संभाल लूंगा। तुम जाओ, आराम से। छोड़ दीजिए वरुण जी। अरे अरे, अगर ये मार दिया ना तो मुझे हॉस्पिटल तुम्हें ही लेके जाना पड़ेगा। देख लो, माफ कर दो स्वीटू। मैं जानता हूँ कि कभी कभार मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। माफ कर दो अपनी वरुण को स्वीटू, दोबारा ऐसा नहीं होगा, पक्का। स्वीटू मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हुई, दोबारा ऐसा नहीं होगा स्वीटू। मैं अपने गुस्से को काबू में रखूंगा। मैं आपसे बात नहीं करना। मैं अपनी स्वीटू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। हमें नहीं मिलना किसी से। ऐसा मत करो स्वीटू, मैं जानता हूँ तुमने कितने दिल से तैयारियां की। तुम्हें पता है सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं, बल्कि मम्मी तो शायद तुम्हारे लिए तोहफा भी लेके आने वाली है। अगर मेरी वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज की शाम बहुत अच्छी हो, और वो तुम्हारे नाम, तभी तो खास बनेगी ना। आइए बैठिए। वरुण बेटा, जिसने हमें इतने प्यार से न्योता दिया वही कहीं नजर नहीं आ रही है, अभी भी सजने सवरने में बहुत ही वक्त लगाती है। बुआ जी, वो बिल्कुल सही पहचाना बुआ जी। खुश रहो बेटा, ये आपके लिए। अरे बेटा, हमें भी दिखाओ कि भाभी ने क्या तोहफा दिया। चलो बताओ बताओ। हमें पता था कि आपको इसी दुकान के कपड़े पसंद हैं, इसलिए हम खुद जाकर आपके लिए लेकर आए हैं। क्या हुआ बेटा? हमें तो लगा तोहफा मिलते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, लेकिन देखिए भाभी, माथे पे शिकन,
देखा, इसे ना पसंद नहीं आया आपका तोहफा भाभी। नहीं ऐसी बात नहीं है बुआ जी, बहुत अच्छा है, पर हमारे पास ना ऐसा कपड़ा ऑलरेडी है। अरे बस बस, लेडीज ने अगर कपड़ों की बात शुरू कर दी तो पूरी रात निकल जाएगी। अब कीर्ति, बुआ जी के लिए जो तुमने स्पेशल शरबत बनाया वो नहीं पिलाओगी? हाँ, शरबत ही है ना। हाँ हाँ बुआ जी। पापा जी शुक्रिया। थैंक यू बेटा। भाभी, कीर्ति ने जो गले में हार पहना है वो तो हमने कभी नहीं देखा उसके पास। बाद में लिया होगा, लेकिन कितना सुंदर दिख रहा है ना उनपे। क्या भाभी, आप भी अगर इतनी कीमती हार खरीदती रही तो इतने बड़े घर का किराया कैसे देंगे ये लोग। रितु, वैसे भाभी एक बात तो है, आजकल के जेवरों में वो बात ही कहाँ जो हमारी माँ के उस खानदानी हॉल पे। देखिए माँ, ये सब हमने खुद से किया है। अरे वाह बेटा, आज तो आप छाई हुई हैं और कितनी सुंदर भी लग रही हैं आप, नजर उतार लो। वैसे अगर आज आप वो खानदानी हार पहनती ना तो आप पे बहुत जचता। माँ चलिए ना, आज सब कुछ ना हमने आप लोगों के पसंद का बनाया, आप लोग खाने की शुरुआत करिए, हम किचन से मीठा लेकर आते हैं। हाँ आते हैं। ये क्या नया तमाशा शुरू कर दिया तुमने? सारा दिन काम करके कमर घिस जाती है हमारी, पर मजाल है तुम्हें जरा सा भी असर हो। बड़ा मजा आता रहा हमारा काम बढ़ाने में, सारा घर गंदा कर दिया है, कौन साफ करेगा इसे? हाँ आज देरी ना पक्का पापा से शिकायत करके रहेंगे हम। पर मम्मी मैंने नहीं किया ये। चुप। अरे बेटा गलतियां हो जाती हैं, मम्मी से माफी मांग लो, वो शिकायत नहीं करेंगे। चलो। सॉरी मम्मी। चल अपने कमरे में जा। सॉरी। चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कि धूल से हमारा गला फूल जाता है और जकड़ जाता है। तनुजा जी आप थोड़ी देर कमरे में आराम कर लीजिए, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ, नहीं तो आपको धूल से खांसी आ जाएगी। मतलब आप ये कहना चाह रही कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं तनुजा जी, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती हैं हमें कि हम नौटंकी कर रहे थे, कि हमें धूल से खांसी हो रही है? नहीं नहीं तनुजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे यशवी जी, कुछ वक्त की बात है, हमारे घर में बिजली का काम खत्म हो जाएगा तो आपके भी सर से हमारा बोझ खत्म हो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं तनुजा जी, हम दोनों एक परिवार हैं, आप कभी भी हम पे बोझ नहीं बन सकते, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अरे आप ना अपने घर की सफाई से ज्यादा अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए। अरे कल रात से वो घर नहीं आई है, पता नहीं कहाँ सैर सपाटा कर रही है। तनुजा जी लीजिए, आ गई आपकी लाडली। यशवी जी, आपने अपनी बेटियों को हमारा घर तोड़ने के लिए भेजा था ना, तो छोटी बेटी ने तो तोड़ दिया, अब इसकी बारी है। क्यों यशवी जी, आप एक काम करिए कि इसके पहले कि हमारा घर टूटे आप हमारा ही गला दबा दीजिए। होश में आइए तनुजा जी, होश में आइए। मम्मी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का मारने की?
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।